दैट मैंने और सरमद ने निकाह कर लिया। अगर आपकी बेटी शादी के लिए राजी नहीं थी तो ये सब ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने और मैंने, मुझे सोच के शर्म आती है। जब बराबरी ना हो, जोड़ ना हो तो वहाँ रिश्ता नहीं होता और ना ही करना चाहिए। तुम्हारी इतनी जुर्रत! जिनकी ऐसी बेशरम बेटियाँ होती हैं ना, वो वैसे भी किसी को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, समझौता ड्रामे के इस एपिसोड में शांति को देखने के लिए उसके बाप के दोस्त उसके घर आते हैं। अभी वो बैठे ही होते हैं तो उसी टाइम शांजिया बाइक से आती है और आकर अपने बाप को कहती है कि पापा मैंने सरमद के साथ निकाह कर लिया है, जिस पर उसके दोस्त उसके बाप से सख्त नाराज़गी का इजहार करते हैं। वो कहते हैं अगर आपने यही कुछ करना था तो हमें बुला के बेइज्जत करने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरा उसकी उसके दोस्त की बीवी कहती है कि ऐसी बेशरम लड़की को होते हुए आप कभी भी इस लड़की से ऐसे अपनी बेटे की शादी नहीं करेंगे। दूसरी तो उसका बाप के चांदे को कहता है कि वो घर से निकल जाए, उसको मैं अपनी इंतजार में से एक सब टुकड़ा भी नहीं दूंगा। जिस पर उसके भाई भी कहते हैं कि बाप ठीक कह रहा है, हम इस रिश्ते से राज़ी नहीं हैं, तुम जो करना चाहती थी तुमने कर लिया, अब तुम उसे भुग दो। दूसरी तरफ सरमद नहीं है, सरमद सोचेगा कि शायद इस तरह उसको जिदाद मिल जाएगी, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि चांदे को कुछ भी नहीं मिल रहा, चांदे के लिए आ रही है, तो उसको बहुत सख्त नाराज़ होगा। दूसरी तरफ सरमद अपने बाप को बताएगा कि इस तरह मैंने निकाह कर लिया है, उसका बाप कहेगा कि हमारी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती, ये घर से बाहर जहाँ पर मरती रहे, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसे कतई ताल्लुक करता हूँ। दूसरी तरफ जब शांजे को पता चलेगा कि सरमद ने उसके साथ जो जो बातें की थी वो सब झूठ है, वो कोई काम नहीं करता, वो निकम्मा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे की खातर उसने उससे शादी की है, तो उसे मालूम होगा। दूसरी तरफ नरगस समझाएगी अपने हस्बैंड को कि शांजे जो भी है उसकी बेटी है, ठीक है, तो और उसे उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस पर वो कहेगा कि फ़िलहाल वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता, अभी वो बहुत परेशान है। दूसरे अंदर का सबने उसके भाइयों को भी समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके भाई कहेंगे कि सब किया धारा जो है वो आप ही का किया हुआ है, अगर आपकी आपने उस पर नज़र रखी होती तो आज ये ना होता। जिस पर नरगस परेशान हो जाएगी कि हर बात पर हर चीज़ का इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ उसे दिया जाता है, जबकि वो सबका भला चाहती है।